नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए जानते हैं आज की सुर्खियों को। आज देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी दिवाली। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में MBBS की 1703 सीटों पर होगा दाखिला। बिहार में मौसम के मिजाज में हो सकता है ठहरा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में MBBS की 1703 सीटों पर होगा दाखिला। नीट 2020 में बिहार के ऑल इंडिया 15% कोटे के साथ साथ बिहार स्टेट का कट ऑफ भी बढ़ गया था। आपको बता दें, देश के मेडिकल कॉलेजों में नीट में पिछले साल के अनुसार ही कट ऑफ रहने की संभावना है। इस बार भी 720 में 720 अंक तक छात्र को प्राप्त हुए हैं। एक नहीं, तीन छात्र रैंक वन में है। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज की 85% सीटों पर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा एडमिशन प्रक्रिया आयोजित कराई जाएगी। MBBS में 1703 और BDS की 235 सीटों पर 2021 में एडमिशन होना है। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 1070 सीट है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए 700 सीटें हैं। सरकारी BDS में 35 सीटें हैं और निजी में 200 सीटों पर दाखिला होगा। आज देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी दिवाली। आज देशभर में धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया जाना है। इस बार दिवाली का त्योहार 4 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। रोशनी के इस पर्व को खुशियों का पर्व भी कहा जाता है। दिवाली पर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी को सुख समृद्धि की देवी कहा गया है। जीवन में जब लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त होती है तो व्यक्ति का जीवन में संपन्नता आती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। कलयुग में धन को एक प्रमुख साधन माना गया है। दिवाली का पर्व लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी जी की आरती, स्तुति आदि की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर इंटर का पंजीयन शुरू हो गया है। ये छात्र साल 2021 से 23 में आयोजित होने वाली इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। पंजीयन का काम आगामी 8 नवंबर तक किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से नियमित कोटे के छात्रों के लिए पंजीयन शुल्क 485 रुपए और स्वतंत्र कोटि के छात्रों के लिए पंजीयन शुल्क 885 रुपए निर्धारित की गई है। इंटर का नामांकन समाप्त होने के बाद बोर्ड ने पंजीयन की तारीख की घोषणा कर दी है। पहचान में हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल सुधाकर रॉय एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। दिसंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। वो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनका जन्म बिहार राज्य में रोसेरा के पास एक गांव भिरहा में हुआ था। उन्हें समस्तीपुर के रविंद्र जडेजा का उपनाम भी दिया गया है। उन्होंने 8 फरवरी 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में झारखंड के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। वो टूर्नामेंट में झारखंड के लिए अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिसमें 9 मैच में 30 आउट हुए। उन्होंने 21 फरवरी 2019 को 2018-19 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए 2020 की शुरुआत की थी। बिहार में मौसम के मिजाज में हो सकता है ठहराव। बिहार में इन दिनों उत्तर पश्चिमी हवा का निरंतर प्रवाह जारी है। इस कारण पारे में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। इसकी वजह से पूरे सूबे में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कार्तिक छठ में कुछ इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है। इसको लेकर बिहार विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि छठ के दौरान कड़ाके की ठंड और भारी धुंध या कुहासे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। इस वजह से छठ व्रती को सुबह और शाम भगवान सूर्य को अर्घ देने को लेकर ठंड से खास परेशानी नहीं होगी। कॉलेज में 60-65% लड़कियों का होगा नामांकन। बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% सीटें अब लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह नियम 2021 से ही लागू हो जाएगा। स्टेट कोटे के तहत बिहार में MBBS की 1070 सीटें हैं। इनमें से अब 33% सीटें लड़कियों के लिए रहेंगी, जिससे पटना मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटे के तहत 165 सीटें हैं। इनमें से अब करीब 54 सीटों पर लड़कियों का एडमिशन होना है। 2020 सत्र की बात करें तो बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में 44% सीटों पर लड़कियों का एडमिशन हुआ था। नीट 2020 में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की तरफ से बिहार स्टेट मेधा सूची के अनुसार टॉप के 1000 विद्यार्थियों में 612 छात्र और 388 छात्राएं शामिल थी।
सीतामढ़ी के बंसपाकर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वहीं आज हम आपको बिहार के एक और पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं। सीतामढ़ी के 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहुत पुराना पाकड़ का एक पेड़ है, जिसे रामायण काल का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता को जनकपुर से अयोध्या ले जाने के समय उनकी पालकी से उतार कर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कराया गया था, जिसके तहत ही अब आप जब भी बिहार आए तो सीतामढ़ी के बंसपाकर का दर्शन जरूर करने जाए। दिवाली पर बिहार से नेपाल के लिए 22 महीने बाद बस सेवा की होगी शुरुआत। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल 20 फरवरी से नेपाल के काठमांडू और जनकपुर के लिए बस सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब दिवाली के ठीक पहले दोनों देशों की सरकारों ने बस सेवा बहाल करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आज बिहार से नेपाल के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि नेपाल सरकार की तरफ से काठमांडू से पटना के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। कागजी प्रक्रिया होने के बाद बिहार से चलने वाली बसों का आदेश 1-2 दिन में विलंबित हो गया है। इसको लेकर बस मालिकों ने काठमांडू और जनकपुर के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण बस का भाड़ा बढ़ सकता है। बिहार में हज यात्रा के लिए जारी हुआ गाइडलाइन। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के साथ ही हज यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए बिहार में भी तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर बिहार में हज यात्रा को लेकर ही गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत ही अब 31 जनवरी तक हज यात्रा 2022 का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। बिहार राज्य हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इलियास हुसैन ने इस बाबत बताया है कि यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। बिहार के हज यात्री को कोलकाता से भी मक्का के लिए उड़ान भरना होगा। हालांकि ध्यान रहे, मक्का में ठहरने के लिए सिर्फ अजीजिया कैटेगरी को ही यह सुविधा मिलेगी। हज पर जाने वाले यात्रियों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, जिसके तहत ही अगर आप भी अब हज यात्रा पर जाना चाहते हैं तो hajcommittee.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार में जल्द ही मिल सकता है 70 रुपए का पेट्रोल डीजल। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने हाल ही में बिहार में एक विशेष प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में खोला गया है। सबसे खास बात यह है कि मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल का उत्पादन शुरू भी हो गया है, जहां पर महज 6 रुपए की प्लास्टिक कचरे से 70 रुपए के पेट्रोल डीजल तैयार होंगे। हालांकि बिहार के लिए यह गर्व की बात इसलिए है क्योंकि देश में यह पहला प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जाता है। इसे ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी ने स्थापित किया है। इसको लेकर इकाई के संचालक सह ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी के सीईओ तोष मंगलम ने बताया कि यहां पर प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। परिवहन विभाग ने पटना के 75% ऑटो को सीएनजी में बदलने का किया दावा। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि इन सबके बीच परिवहन विभाग ने राजधानी पटना को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसके तहत परिवहन मंत्री शीला कुमारी और सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने 430 लाभुकों को 1.14 करोड़ का अनुदान देने की बात कही है। इस मौके पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राजधानी के करीब 75% डीजल ऑटो को सीएनजी में बदलने का काम कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने वाले वाहन चालकों को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। अभी पटना में 12 सीएनजी स्टेशन कार्यरत है, जिसे 18 करने का लक्ष्य है। बिहार ने टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक खास तकनीक को किया लॉन्च। बिहार में कोरोना के मामलों ने भले ही कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन बिहार सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि बिहार में सभी को टीका लगाने का काम कर लिया जाए। इसको लेकर ये बिहार में बीते दिन एक समर्पित व्हाट्सएप चैट बोट को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम वैक्सीन मित्र है। इससे लोगों को अब कोरोना टीकाकरण के बारे में व्यापक जानकारी मिलना आसान हो जाएगा। बॉट उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसके लिए अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होगा। ये व्हाट्सएप एपीआई प्लेटफॉर्म की लेटेस्ट सहज क्षमताओं के साथ बनाया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को त्वरित उत्तर चुनने में सक्षम बनाता है और यूजर को एक संदेश टाइप करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। सस्पेंडेड डीडीओ के फ्लैट समेत 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी। इन दिनों बिहार में धन कुबेरों की संपत्ति का खुलासा होता ही जा रहा है। हर दिन भारी संख्या में ऐसे अधिकारियों की जानकारी सामने आती रही है, जो सरकार के नाक के नीचे से पैसे की घपलेबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन सस्पेंडेड डीटीओ अजय ठाकुर के ऊपर विजिलेंस ने अपना शिकंजा कस दिया है। बुधवार को पटना में इनके 2 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। राजधानी के एसकेपुरी थाना के तहत सरदार पटेल पथ स्थित हरि राधा अपार्टमेंट के C-303 में अजय ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इन पर काली कमाई के जरिए सरकारी आय से 92 लाख रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप है। उपचुनाव में जीत पर सीपी ठाकुर ने भाजपा को दिया क्रेडिट।
हाल ही में उपचुनाव को लेकर आए परिणाम को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीते दिन कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीपी ठाकुर ने कहा कि भाजपा को बिहार में मजबूत कैलाशपति मिश्र ने अहम योगदान दिया। मिश्र जी ने दावा किया कि भाजपा के लिए पूरी जिंदगी बिता दी और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम हमेशा किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में बिहार भाजपा का पूरा कुनबा नजर आया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, मंत्री मंगल पांडे, पूर्व विधायक नंदकिशोर यादव सहित तमाम बड़े नेता भी नजर आए। दिवाली और छठ महापर्व पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पहले से चलाई जा रही ट्रेनों के अलावा कुछ और पूर्णतया आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है, जिसके तहत उधना दानापुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, दानापुर उधना फेस्टिवल स्पेशल, जमुतवी कटिहार फेस्टिवल स्पेशल, कटिहार जमुतवी फेस्टिवल स्पेशल, अमृतसर बनमनखी फेस्टिवल स्पेशल, बनमनखी अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल, जमुतवी कटिहार फेस्टिवल स्पेशल, कटिहार जमुतवी फेस्टिवल स्पेशल, अमृतसर बनमनखी फेस्टिवल स्पेशल, बनमनखी अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल, जमुतवी कटिहार फेस्टिवल स्पेशल, अमृतसर बनमनखी फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में नहीं मिल रही मुकम्मल मुलाकात। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान बीते दिन हो गया है। हालांकि इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मतदान से लेकर मतगणना तक में खास सतर्कता बरती गई है। निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में काफी संख्या में कर्मचारी भी लगे हैं जो फोन अटेंड करने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन कई जगह पर हुई चुनिंदा घटनाओं की खबर कंट्रोल रूम के पास नहीं है। इसको लेकर जो प्रशासन से सवाल पूछा गया तो प्रशासन ने यह कहा कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जानकारी दी जाएगी। 12 नवंबर को होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। देशभर के स्कूल में राष्ट्रीय सर्वेक्षण 12 नवंबर को होने वाला है। इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत चयनित स्कूलों को अपने स्तर से सभी तैयारी को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन भेजा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सर्वेक्षण कक्षा 3, 5, 8 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों के बीच हर साल कराया जाता है। सर्वेक्षण में चारों कक्षाओं के बच्चों के बीच अलग अलग जांच आयोजित की जाती है। कक्षा 3 और 5 के बच्चों से संबंधित इलाके में पढ़ाई की भाषा, गणित और पर्यावरण विज्ञान की स्थिति को परखा जाता है। परिवहन विभाग के ओएसडी पर भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप। परिवहन विभाग में हर दिन नए कारनामों के खुलासे हो रहे हैं। अब तक कई गड़बड़ियों की शिकायत भी सामने आई है, जिसको लेकर पटना डीटीओ ने करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने एक्शन लिया है, जिसके बाद अब परिवहन विभाग के ओएसडी के खिलाफ भ्रष्टाचार और कई अन्य शिकायत दर्ज कराई गई है। नई शिकायत पर सामान्य प्रशासन विभाग ने परिवहन विभाग के सचिव को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 अक्टूबर को परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विभाग के ओएसडी अजीव बत्सराज के विरुद्ध जन शिकायत दर्ज करवाई गई है। 30 नवंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं बदलाव। मतदाता सूची में लोग अब किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 7 और 21 नवंबर को मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित अभियान चलाने की बात कही गई है, जिसके बाद 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हिंदी भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मतदाता सूची में संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। मतदाता बनने के लिए कोई भी योग्य व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक nvsp.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 7 नवंबर को बिहार आने वाले हैं, जिसके तहत वो नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का 6 अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा बिंदुओं पर बातचीत की है। इसको लेकर आयुक्त ने हेलीपैड, विद्युत आपूर्ति, पीए सिस्टम, मंच व्यवस्था, सिटिंग प्लान, आई कार्ड पार्किंग आदि की व्यवस्था के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। आयुक्त ने यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ समन्वय स्थापित कर मानक के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश नालंदा के डीएम और एसपी को दिया है। सीएम नीतीश ने पटना में गंगा घाटों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को उपचुनाव में मिली जीत से काफी खुश नजर आ रहे थे। वहीं परिणाम आने के साथ ही अब सीएम नीतीश अपने काम में लौट आए हैं, जिसके तहत आगामी छठ पर्व को देखते हुए उन्होंने बीते दिन छठ घाटों का जायजा लिया। इससे पहले भी सीएम नीतीश ने 27 अक्टूबर को भी गंगा घाटों का जायजा लिया था और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे। वहीं बीते दिन सीएम नीतीश ने छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारी अब तक हुई है और पहले जो निर्देश दिया था उसका कहां तक पालन हुआ है, उस सब को देखते हुए और उसी के हिसाब से आगे फिर दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री
किशोर प्रसाद और सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश का फूलमालाओं के साथ हुआ स्वागत। भले ही दिवाली आज हो, लेकिन जदयू को दिवाली का तोहफा चुनाव के परिणाम के साथ ही मिल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में जदयू कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस मौके पर वहां मौजूद नेता और कार्यकर्ता ने सीएम का फूलमालाओं से स्वागत किया। पार्टी कार्यालय के बाहर लगातार ढोल बजे। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खास इंतजाम किए गए। पार्टी के कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री का फूलों से स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पार्टी के कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बाबर आजम ने कोहली को दी मात। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड में नाम्बिया को आसानी से 45 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम को जीत दिलाने में बाबर ने अहम रोल निभाया और 49 गेंदों पर 70 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके शामिल रहे। अपनी इस पारी के दौरान बाबर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक और मामले में पछाड़ दिया है और एक साल में T20 फॉर्मेट में 1000 रन पूरे करने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। इस रिकॉर्ड के सबसे करीब न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहुंचे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली में 1822 में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। कश्मीर के बड़गांव के मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में पहला परमवीर चक्र मिला। हालांकि उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 1845 में हुआ। फिल्म अभिनेत्री तब्बू का जन्म 1971 में आज के दिन हुआ। भारतीय सिनेमा की एक उच्च श्रेणी की महिला फिल्मकार विजया मेहता का जन्म 1934 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित शंभु महाराज का 1970 में निधन आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,100 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,360 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,200 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम 113.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 105.07 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, अखिलेश कुमार, आनंद झा, गोपाल मिश्रा, शंकर मुखिया, टुनटुन यादव, मोनिका कुमारी, विकास कुमार सिंह, लक्ष्मी मेहता, किशलय पंडित, शिवशंकर पांडे, माही आनंद, ओमकार सिंह, सुजीत कुमार, चंदन राम, उमेश कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज दिवाली के मौके पर आप अपनी दिवाली कैसे मनाने वाले हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।